आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो दोस्तों, हमारे सामने एक क्वेश्चन दिया गया है जिसमें एक गद्यांश दिया गया और उसमें पूछ रहा है कि जो हमें क्वेश्चन दे रखा है उसके गद्यांश के आधार पर और उसका उत्तर दे रहा है। तो गद्यांश शुरू होता है, गांधी जी सत्य और अहिंसा में, अहिंसा को जीवन में सर्वाधिक महत्व देते थे। सत्याग्रह व असहयोग आंदोलन द्वारा उन्होंने अंग्रेजों का मुकाबला किया। गांधी जी सब मनुष्यों को समान मानते थे। धर्म, जाति, संप्रदाय, रंग आदि के आधार पर होने वाले भेदभाव को वे मानवता का कलंक मानते थे। वे आर्थिक असमानता को भी मिटा डालना चाहते थे। सामाजिक न्याय शारीरिक श्रम को महत्व देते थे। गांधी जी प्रजातांत्रिक राज को कल्याणकारी मानते थे। गांधी जी के अनुसार नैतिक आचरण का जीवन में विशेष स्थान होना चाहिए। सत्य, न्याय, धर्म, अहिंसा, अपरिग्रह, निस्वार्थ सेवा को मानवता के लिए सच्ची सेवा मानते थे। उनके राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय विचारों में वसुधैव कुटुंबकम का दृष्टिकोण प्रमुख था। उनकी मान्यता थी कि राष्ट्र का समुचित उत्थान अपने परिवार, जाति, गांव, प्रदेश तथा देश की समस्याओं के सुधार से हो सकता है। स्वयं को सुधारो, सारा विश्व सुधरेगा, उनका सही कहना था। यह हमारा गद्यांश खत्म हो गया। इस गद्यांश से आधार पर हमारा जो प्रश्न है वो क्या है, आ छोटा आ जो दे रखा है उपसर्ग है, यहाँ पे चार शब्द दे रखे हैं, हमें बताना है कि छोटा आ जो है उपसर्ग किस शब्द में होगा। और ये सारे चारों शब्द हमारे कहाँ गद्यांश से जो कि लिए गए हैं, आचरण की बात हो रही है और राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय यहाँ पर ये हमारे शब्द हैं। ये हमारा आचरण हो गया, अहिंसा, ये हमारा अहिंसा हो गया, ठीक है। तो देखिए, अगर हम पहले शब्द की बात करें आचरण, तो आचरण में आचरण को हम लिख यहाँ पे जो पहला उपसर्ग, उपसर्ग देखिए सबसे पहले जान लेते हैं क्या होते हैं। ऐसे किसी शब्द में अगर हम कोई अन्य शब्द जोड़ दें, उस शब्द से पहले कोई अन्य शब्द जोड़ दें और उस अर्थ के आधार पर एक नया उसको जोड़ने पे के बाद एक नया शब्द हमें मिले, ठीक है, और जिसका कि अर्थ भिन्न हो, तो उसको हम क्या कहेंगे, उपसर्ग कहेंगे, ठीक है, किसी भी शब्द में। अब देखिए आचरण में आ जो है बड़ा आ, आ प्लस आचरण बन जाएगा, तो बड़ा आ जो है वो क्या आ उपसर्ग हो गया इसके लिए, मतलब हम इसमें चढ़ में जोड़ दे तो क्या बन जाएगा, आचरण। ऐसे ही राष्ट्रीय में आ की बात करें तो राष्ट्रीय में तो रा आ रहा है पहले, आ का तो कोई मतलब ये हमारा गलत हो जाएगा, ठीक है, ये भी हमारा गलत हो गया। छोटा पूछ रहा है अहिंसा में, देखिए अहिंसा, अहिंसा में तो इसको हम लिखेंगे आ, छोटा आ प्लस हिंसा, ठीक है, तो मतलब क्या हुआ, जो हमारा उपसर्ग होगा वो छोटा आ हो जाएगा यहाँ पे, यानी कि हम कह सकते हैं ये हमारा विकल्प सही होगा तीसरे वाला। अंतरराष्ट्रीय में, अंतरराष्ट्रीय में देखिए आ तो जो आएगा वो पहला क्या आएगा, अंतर आएगा और अंतर प्लस राष्ट्रीय, ठीक है, तो इसमें हमारा जो आ उपसर्ग होगा वो अहिंसा में होगा, यानी कि विकल्प नंबर जो हमारा तीसरा अहिंसा में ये सही विकल्प होगा आप सबके लिए। धन्यवाद। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE, मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर।